सिरमौर जिला में खैरी लानाचेता मार्ग पर पबौर के पास हुए सड़क हादसे में एक परिवार के चार लोगों की जान चली गई। उपमंडल राजगढ़ की तीन पंचायतों में मातम छाया हुआ है। हादसे में माँ, बाप, बेटी और मामा की मौत हुई है। मंगलवार को दाहन पंचायत के रूग में दंपति की एक साथ चिता जली तो भुईरा पंचायत के थनोगा में उनकी बेटी रेखा और बोहल टालिया पंचायत के फग्गू में उनके रिश्तेदार कमलराज की चिता जली। इस घटना से समूचे क्षेत्र में शोक का माहौल है। मंगलवार शाम तीन पंचायतों में चार लोगों की चिताएं जली तो माहौल गमगीन हो गया। राजगढ़ तहसील की पंचायत दाहन के गांव रूग के जीवन सिंह और उनकी पत्नी सुमा देवी का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। दंपति ने सात फेरों का वचन अंतिम सांस तक निभाया और चिता में भी अंतिम साथ दिया। जीवन सिंह कुछ साल पहले लोक निर्माण विभाग से बेलदार सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने अपनी बेटी रेखा का विवाह भुईरा पंचायत के थनोगा में करवाया था। रेखा के पति का भी देहांत हो चुका है। इसके बाद उनकी बेटी मायके में अपनी 8 वर्षीय बेटी अनामिका और 5 साल के ईशांत के साथ रह रही थी। बच्चों के सिर से पहले ही पिता का साया उठ गया था और अब माँ भी दुनिया में नहीं रही। अब बच्चों की सारी जिम्मेदारी उनके मामा बलदेव समेत उनके परिवार पर आ गई है। दूसरी तरफ बोहल टालिया पंचायत के फग्गू में भी माहौल गमगीन है। रिश्ते में जीवन सिंह के सगे साले यानी रेखा के मामा 40 वर्षीय कमलराज की भी हादसे में मौत हो गई। बता दें कि सिरमौर जिला में पुलिस स्टेशन संगड़ा के तहत खैरी लानाचेता मार्ग पर पबौर के पास मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में चार लोगों कमलराज, जीवन सिंह, सुमा देवी, पत्नी जीवन सिंह निवासी गांव फग्गू दाहन राजगढ़ व जीवन सिंह की बेटी रेखा की मौके पर मौत हो गई। ये लोग लानाचेता में अपने रिश्तेदार के घर गए थे और वापस दाहन लौट रहे थे।